अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है फेडरल बोर्ड क्लास 10th पेपर 2018 का सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया। अब जो है उसी पेपर का एक सेक्शन जो है सेक्शन सी जो है वो रह गया, तो और इस वीडियो में हम इसको जो है कंप्लीट करके इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। तो चलें हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। एक बात आपको बता दूं कि इस सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस होते हैं, कोई से 2 क्वेश्चन जो है आपने वो अटेम्प्ट करने होते हैं और दोनों क्वेश्चन के जो मार्क हैं वो 10-10 होते हैं। तो ये 20 नंबर का आपके पास सेक्शन सी जो है वो होता है। तो और एक बात फिर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सेक्शन सी में तकरीबन हर क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट होते हैं और एक पार्ट में जो है न्यूमेरिकल जो है वो लाजमीन होता है 3 से 4 नंबर का, और एक पार्ट जो है वो डेरिवेशन या कोई प्रूफ हो सकता है 4-5 नंबर का, और अगर बाज़ औक़ात कोई डेफिनेशंस भी जो है वो पूछी जाती हैं। तो चलें और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन सी को। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, ड्रा रे डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। ये तीन बताई हुई है हमें, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। इनका वो कह रहा है कि रे डायग्राम जो है वो ड्रा करें। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। 2 नंबर है सिंपल माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम बनाने के, 2 नंबर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम बनाने के, और 2 नंबर है टेलीस्कोप के डायग्राम बनाने के। अनलकली ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये आपके स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसको हम डिस्कस नहीं करते फिलहाल। लेकिन अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं आपके साथ जो है इसका कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन जो है वो शेयर कर दूंगा। चले हम चलते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ, जो कि 4 नंबर है का है, और ये 6 और 4 मिला के जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं 10 नंबर। देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल आपको 3-4 नंबर का लाजमी नजर आएगा हर लॉन्ग क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया। क्या है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट येट इनवर्टेड। कनकेव मिरर में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज जो है उनकी हाइट जो है वो सेम है और इन्वर्टेड है। जब हम एक ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 20 सेंटीमीटर जो है वो दूर रखते हैं, तो फोकल लेंथ जो है वो मिरर की जो है वो क्या होगी। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन। मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकल लेंथ को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो गिवन है कितने, 20 सेंटीमीटर। तो पी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और क्यू जो है वो भी इनडायरेक्ट वे में हमें गिवन है। कि कैसे, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि कनकेव मिरर से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट आ रही है वो सेम आ रही है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वही इमेज का डिस्टेंस है, यहाँ पे इमेज बन रही है और वो क्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर के ही बराबर है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ जो है वो क्या है। अब ये जो स्टैंडर्ड मिरर फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q, ये हमने यूज कर लेनी है। पी हमें गिवन है, क्यू हमें गिवन है, एफ अननोन है, और एफ ही हमने जो है वो फाइंड करना। तो ये फार्मूला यूज कर ले, 1/f = 1/p + 1/q। 1/f = 1/p हमारे पास 20 है वो यूज कर लेंगे, 1/q, क्यू भी हमारे पास जो है वो 20 है, तो यहाँ से हम जो है एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 = 2 आ जाएगा, तो 2/20 करेंगे। हमने एफ चाहिए, ये n/f है जो 1/10 आ रहा है, इसे उल्टा कर दें तो एफ जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसका ए पार्ट जो था वो रे डायग्राम प्लॉट ड्रा करने के लिए हमें कहा गया था, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो एक्सक्लूडेड था 2021 के सिलेबस में, तो हमने इस पार्ट को छोड़ दिया। फिर इसका जो क्वेश्चन थ्री का पार्ट बी था वो जो था वो न्यूमेरिकल था और वो इंक्लूड था, तो उसे हमने जो है बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया। उसमें क्या था, कनकेव मिरर का था, बताया गया था कनकेव मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें बताई गई थी और इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है वो भी हमें बताई गई थी, और फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर की वो हमसे उसने जो है पूछी थी। तो हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड फार्मूला जो है मिरर का वो यूज कर लिया, वन आवर एफ इक्वल टू वन आवर पी प्लस वन आवर क्यू, पी और क्यू हमारे पास गिवन थे। एक और बात याद रखनी है, पी जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है और जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्यू होता है। तो हमने जो है वैल्यूज जो है इस फार्मूले में पुट की, वन आवर पी प्लस वन आवर क्यू, तो वो हमारे पास 1/10 आ गया। 1/10 क्या है, वो 1/f है, हमने f फाइंड करना है तो हमने इसको उल्टा कर दिया, तो f हमारे पास जो है वो क्या आ गया, f हमारे पास जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है वो आ गया। फोकल लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है इसलिए 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो इस तरह ये प्रॉब्लम जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट ए है, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड आल्सो प्रूव दैट r इक्वल टू रो l ओवर। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आप रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, रेजिस्टेंस क्या होती है, सेकंड प्रूव करें कि रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास रो एल बाई ए के बराबर होती है। तो रेजिस्टेंस को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये सब्सटेंस जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है उसको अपोज करता है, या जो इससे करंट गुजर रहा होता है उसको अपोज करता है। रेजिस्टेंस को उर्दू जबान में हम रुकावट का नाम देते हैं। किस चीज में रुकावट, करंट के फ्लो करने में रुकावट, चार्जेस के फ्लो करने में रुकावट, क्योंकि चार्जेस की फ्लो ही तो करंट है, तो चार्जेस की चीज में रुकावट है वो करंट में ही बेसिकली रुकावट है। तो रेजिस्टेंस हमने क्या डिफाइन कर ली, रेजिस्टेंस जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो अपने जो उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी मोशन को अपोज करता है, या करंट के रास्ते में जो अपोजिशन आती है उसे हम जो है रेजिस्टेंस कहते हैं। आसान अल्फाज में आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ चार्जेस, अपोजिशन ऑफर इन द वे ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इस पार्ट का हमने एक हिस्सा जो है वो कर लिया, हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लिया। अब हमने जो है प्रूव करना है कि रेजिस्टेंस जो है वो रो एल बाई ए के बराबर होती है। अब देखें याद रखिएगा, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो ये उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, और रेजिस्टेंस की कंडक्टर की लेंथ के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होती है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मैथमेटिकल ये रिलेशन है। इसका क्या मतलब है कि अगर लेंथ हम बढ़ा देंगे कंडक्टर की, ऐसा कंडक्टर यूज करेंगे जिसकी लेंथ ज्यादा होगी तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो भी ज्यादा होगी, ये इसका जो है मतलब है। सेकंड, जो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, और क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है। मैथमेटिकली आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a के। इस मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम ऐसा कंडक्टर यूज करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस जो है फिर उसमें कम होगी, एंड वाइस वर्सा। तो आपने याद रखना है कि कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होती है
वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर, और ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है कंडक्टर की अपनी होती है। एक तो ये कि उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, सेकंड उस कंडक्टर का सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कितने हैं। तो और लेंथ के साथ जो है इस रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ताल्लुक होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ जो है वो इनवर्स ताल्लुक होता है। अगर लेंथ हम बड़ा लेंथ का कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो वो उसमें रेजिस्टेंस भी जो है वो ज्यादा होगी। इसके बरक्स अगर हम ऐसा कंडक्टर यूज कर रहे हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है। तो हमारे पास ये दो मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई, जो कहाँ से आई, हमने यहाँ से आई कि कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है उसकी डिपेंडेंस दो चीजों पे है, कंडक्टर की लेंथ के ऊपर और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। अब हम ये करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं, ये भी आर है ये भी आर है, तो एक ही दफा आर लिख लिया, ये एल है और ये 1/a है, मल्टीप्लाई हुए तो क्या आते हैं L/a, तो L/a आ गया। अब हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो खत्म होता है तो हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट आता है, और इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट आता है वो रो होता है, और इस रो को जो है इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं कंडक्टर की, और इसकी वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि जो हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं वो कौन से है। रो की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए कुछ और होगी, कॉपर के लिए कुछ और होगी, टाइसन के लिए कुछ और होगी, ठीक है, ये नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 बड़े अच्छे से सोल्व कर लिया। क्या था इसमें मैं आपको फिर बता दूं, एक तो इसने कहा था कि रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कर दे, सेकंड उसने कहा था कि आप प्रूव कर दें कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो रो इनटू L/a होती है। हमने पहले रेजिस्टेंस को डिफाइन किया कि रेजिस्टेंस क्या है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस और कुछ नहीं ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस है या ओपोजिशन इन द वे ऑफ करंट है। फिर हमने ये रिलेशन प्रूव करने के लिए कि रेजिस्टेंस जो है वो रो L/a होती है, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने पहले जो हमारा जनरल नॉलेज था जो फैक्ट्स थे वो यूज किए, वो ये थे कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो कंडक्टर की लेंथ कितनी है, सेकंड कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। फिर हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस का कंडक्टर की लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, उसका मतलब हमने देखा कि अगर बड़ा कंडक्टर बड़ी लेंथ का कंडक्टर यूज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। सेकंड हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस का कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ जो है इनवर्स रिलेशन है, उसका क्या मतलब, उसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कंडक्टर यूज कर रहे हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन था, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म होता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट आता है उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम कहते हैं कंडक्टर की, तो ये डिपेंड करती है कंडक्टर हम कौन से यूज कर रहे हैं, कंडक्टर की नेचर क्या है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई आर इक्वल रो L/a, और यही हमने जो है वो प्रूव करना था। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी की बात करते हैं। देखें ये भी क्या है, इसमें भी हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल ही है। अच्छा ये भी क्वेश्चन जो पार्ट है पार्ट ए 6 नंबर का था, तो इसमें आपके 3 नंबर ये रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के थे और 3 नंबर आपको ये प्रूव करने थे कि आर जो है वो रो L/a होता है। चलें अब इसका पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 4 का, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अच्छा ट्रांसफार्मर की अब दो किस्में होती है, क्या होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये वोल्टेज को बढ़ा के देते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये वोल्टेज को है वो कम करके देते हैं। तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं कि उसके जो टर्न की रेशियो है वो 1:100 है,
ठीक है। बेसिकली ये प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स की जो है रेशियो है, ठीक है, 1:100। एन एसी वोल्टेज ऑफ लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट्स इज अप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल। अब क्या है, हम एक एसी वोल्टेज कितनी 170 वोल्टेज वोल्ट्स की हम जो है वो इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 mA, अगर ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी प्राइमरी कॉइल में करंट जो है वो 1 mA है, तो इसकी सेकेंडरी कॉइल में करंट जो है वो क्या होगा। सवाल आपको समझ आए, सवाल कुछ इस तरह है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमें दिया गया है, उसकी जो हमारे पास टर्न रेशियो है वो 1:100 बताई गई है, और ये कहा रहा है कि 170 वोल्ट जो है हम इसकी प्राइमरी कॉइल को जो है वो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसकी प्राइमरी कॉइल से जो करंट फ्लो करता है वो 1 mA है, तो आप बताएं इसकी सेकेंडरी कॉइल से करंट है वो कितना फ्लो करेगा। तो देखें टर्न रेशियो जो हमें गिवन है वो क्या है, टर्न रेशियो एन एस रेशियो एन पी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, और ये है 1:100। पहले गिवन डेटा हम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर वोल्टेज जो है प्राइमरी वोल्टेज जो हम अप्लाई करें, अच्छा प्राइमरी वोल्टेज वो होगी जो हम प्राइमरी कॉइल को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और वो कितनी है, वो है जी 170 वोल्ट जो है वो है। सेकंड फिर आ जाता है कि उसने हमें कहा है कि अगर करंट जो है प्राइमरी कॉइल में जो है वो 1 mA है, तो आईपी क्या है, वो 1 mA है, ठीक है, ये 1 × 10⁻³ A, ठीक है, तो बताएं कि सेकेंडरी कॉइल में करंट जो है वो कितना होगा, तो आई एस जो हमने फाइंड करना है। क्या क्या गिवन था, एक तो हमें गिवन है सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स है टर्न्स रेशियो जो है वो गिवन है 1:100, एन एस रेशियो एन पी हमने लिख लिया कि 1:100 है। अच्छा प्राइमरी कॉइल के क्रॉस जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो प्राइमरी वोल्टेज है, और वो गिवन है कि वी पी जो है वो 170 वोल्ट है, और जो प्राइमरी कॉइल के क्रॉस जो करंट है वो प्राइमरी करंट है आईपी है, और वो भी गिवन है कि वो 1 mA है, और उसे हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। पूछ ये रहा है कि सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस करंट क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जो करंट होगा वो सेकेंडरी करंट होगा, उसे आई एस से शो करते हैं, वो हमने जो है वो फाइंड करना है। तो देखें हमारे पास ये फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स और जो वोल्टेज की रेशियो के दरमियान, ये ट्रांसफार्मर के केस में टर्न्स की रेशियो और वोल्टेज की रेशियो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स की उनके दरमियान जो है ये रिलेशन होती है। एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी। अब हमारे पास क्या है, एन एस रेशियो एन पी हमें गिवन है, वी पी भी गिवन है, हमारे पास वी एस नहीं, तो हम यहाँ से जो है इस फार्मूला से वी एस फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसे यहीं रहने दें, इसे दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो वी एस बन गया एन एस डिवाइडेड बाई एन पी मल्टीप्लाई वी पी, इनकी वैल्यूज गिवन है, आप पुट कर दें, सोल्व करेंगे तो आपके पास 1.7 वोल्ट जो है वो आ जाएगा। अब देखें हमने क्या फाइंड कर लिया, हमारे पास टर्न्स की रेशियो गिवन थी और हमारे पास प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे थे प्राइमरी वोल्टेज जो है वो हमें गिवन थी, तो एक हमने रिलेशन यूज कर ली जो कि टर्न्स रेशियो और वोल्टेज की रेशियो को कंबाइन करती है ट्रांसफार्मर के लिए, वहां से हमने सेकेंडरी कॉइल की जो वोल्टेज है वो हमने फाइंड कर ली। तो ठीक है, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो यूज कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, के जो प्राइमरी कॉइल में जो इनपुट पावर है वो सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट पावर के बराबर होगी, ठीक है, पी पी मतलब प्राइमरी जो पावर है वो बराबर है पी एस जो सेकेंडरी पावर है, ठीक है। अब पावर हमें पता है ये प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट होता है, प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो वी पी आई पी इस तरह, ये सेकेंडरी पावर है, पावर वी आई होता है सेकेंडरी के लिए की वजह से एस एस आ जाएगा, वी एस आई एस। अब वी पी भी हमें गिवन है, आई पी भी गिवन है, वी एस भी गिवन है, आई एस हमने फाइंड करना है कि सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जो है वो करंट कितना होगा, इसे यही रहने दें, ये दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आई एस हमारे पास आ जाएगा वी पी मल्टीप्लाई बाई आई पी डिवाइड बाई वी एस, ये चीजें नाउन है, या पुट करें तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो 0.1 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह हमने जो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जो करंट होगा, जो सेकेंडरी करंट होगा वो हमने फाइंड कर लिया कि वो 0.1 एम्पियर जो है वो होगा।
इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की, और इसमें पार्ट ए है डिफाइन जनरेटर, जनरेटर को डिफाइन करना है एक नंबर है, फिर एसी जनरेटर को डिफाइन करना है इसका भी एक नंबर है, फिर हमने क्या करना है एक लेबल डायग्राम ड्रा करनी है एसी जनरेटर की, और हमने बताना है कि जो स्ट्रक्चर और वर्किंग आप एसी जनरेटर को जो है वो बता रही हो, एक्सप्लेन कर रही हो, इसके चार नंबर क्या है। जनरेटर को पहले डिफाइन करना है एक नंबर, फिर एसी जनरेटर को डिफाइन करना है एक नंबर, फिर चार नंबर है हमने एक डायग्राम बनानी है एसी जनरेटर की, तो एसी जनरेटर की वर्किंग और स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सप्लेन कर रही हो। इस तरह इस क्वेश्चन के हमारे पास जो है छह नंबर बनते हैं। अनलकली ये क्वेश्चन जो है वो आपके 2021 के शॉर्ट सिलेबस में एक्सक्लूड है, इसलिए इसे हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम चले जाते हैं टाइम जाया किए बिना क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट बी की तरफ, जो कि चार नंबर का है और इस पेपर का, इस सेक्शन सी का जो है लास्ट पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है वो कह रहा है बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस द कंडक्टर, एक कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम 10 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस कंडक्टर से 1.5 एम्पीयर करंट जो है वो फ्लो करता है। तो बताएं कितनी एनर्जी जो है वो हम इस करंट से जो है ऑब्टेन करेंगे 2 मिनट के अंदर। तो चलिए पहले जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है कंडक्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो करता है, करंट आई जो है वो 1.5 एम्पीयर गिवन है, हमने 2 मिनट में टाइम गिवन है 2 मिनट, जब भी मिनट में टाइम गिवन तो उसे आप सेकंड में कन्वर्ट कर लिया करें, 60 से मल्टीप्लाई करके 120 सेकंड आ गया। 2 मिनट में इस कंडक्टर में 1.5 एम्पीयर की करंट की वजह से कितनी एनर्जी जो है वो मिलेगी हमें, W कितना होगा वो हमने जो है वो फाइंड करना है। तो जूल्स लॉ से हम बखूबी वाकिफ हैं, जूल लॉ क्या कहता है कि रेजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, जो वायर की रेजिस्टेंस है वो कितनी है आर मल्टीप्लाई में कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है टी, उसके बराबर होती है। तो जूल लॉ को हम यूज कर लेंगे, डब्ल्यू इक्वल आई स्क्वायर आर टी, आई गिवन है आर हमें नहीं गिवन टी गिवन है, तो आर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं हमें पता है। चलिए देखिए एक आई ऐसे रहने दे, एक आई आर आई यहाँ मल्टीप्लाई कर दे आई आर बन जाएगा, और ओम लॉ से हम पता है कि पोटेंशियल क्या होता है V इक्वल टू आई आर होता है, और V तो हमें गिवन नहीं है ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया V आई टी, आई भी गिवन है कितने 1.5 एम्पीयर, V भी गिवन है कितने 10 वोल्ट, T भी गिवन है 120 सेकेंड, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो वर्क आ जाएगा जो एनर्जी ऑब्टेंड होगी वो 1800 जूल जो है वो होगी। तो इस तरह जो है ये हमने क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिया। क्या किया हमें जो है वो बताया गया था कि एक कंडक्टर जो है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो करता है इस कंडक्टर से वो 1.5 एम्पीयर करता है, और हमसे ये कहा गया था कि आप बताएं कि 2 मिनट में इस करंट की वजह से इस कंडक्टर से हमें कितनी एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होगी। तो हमने जो है जूल लॉ का फायदा उठाया कि जूल लॉ होता है आई स्क्वायर आर टी, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस तो नहीं गिवन थी, लेकिन जो आई स्क्वायर था उसका एक आई ऐसे रहने दिया, एक आई आर से हमने ओम लॉ का फायदा उठा लिया कि ओम लॉ कहता है कि वी इक्वल टू आई आर होता है, तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया एच या वर्क जो है वो बन गया वी आई टी, वी भी गिवन था जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट भी गिवन था, टाइम भी गिवन था, हमने फार्मूला में यूज किया और हमने जो है वर्क निकाल लिया और उसके साथ हमने जो है वो यूनिट जो है वो लिख दी। इस तरह जो है ये क्वेश्चन जो है हमने जो है वो सॉल्व कर लिया। तो अब देखें इसमें भी ये सेक्शन सी हमने सॉल्व कर लिया है, इसमें कुछ एक दो पार्ट जो है वो मिस है, तो अगर उनका सोल्यूशन आपको चाहिए तो आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो चलें यहाँ पे जो है हम इस वीडियो को एंड कर लेते हैं, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूँ हमने क्या इस पेपर में देखा। इस पेपर में जो है
हमने रे डायग्राम्स थी, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जो हमने डिस्कस नहीं की। फिर हमारे पास कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन गिवन थी, और उसने हमसे फोकल लेंथ पूछी थी मिरर की। हमने मिरर फार्मूला यूज किया, वन ओवर एफ इक्वल वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू, वहां से हमने फोकल लेंथ बड़ी आसानी से फाइंड कर ली। फिर उसने हमसे रेजिस्टेंस डिफाइन कराया, हमने कहा रेजिस्टेंस जो है ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस है। फिर उसने हमें कहा कि प्रूव करो रेजिस्टेंस जो है रो एल बाई ए के बराबर होती है। फिर हमने जो है यहाँ से एक कंसेप्ट यूज किया कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की डिपेंड करती है, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टेंस की लेंथ के साथ क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। वहां से उन्हें इक्वेशंस को कंबाइन करके जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, तो वो जो कांस्टेंट था वो और कुछ नहीं था, हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थी कंडक्टर की, और वो डिपेंड करती है कंडक्टर की नेचर के ऊपर। वहां से हमारे पास ये फार्मूला जो है वो प्रूव हो गया। फिर हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की टर्न्स रेशियो दी हुई थी, हमें प्राइमरी वोल्टेज के अक्रॉस जो करंट था वो गिवन, प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो गिवन थी, उसकी वजह से जो प्राइमरी कॉइल से प्राइमरी करंट फ्लो कर रहा था वो गिवन था, सेकेंडरी कॉइल से करंट जो है वो फाइंड करना था। हमने जो है फार्मूला यूज कर लिया जो कि टर्न्स जो रेशियो है उसको रिलेट करता है सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज से। वहां से जो है हमने सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज जो है वो फाइंड कर ली। फिर हमने एक कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन कंसेप्ट यूज कर लिया, और वहां से इनपुट पावर और आउटपुट पावर प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल के हमने यूज करके हमने सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो करंट था वो हमने जो है वो फाइंड कर लिया। फिर हमने जो है एक क्वेश्चन गिवन था, हमें कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, उसकी वजह से जो करंट गुजर रहा था कंडक्टर से वो गिवन था। 2 मिनट में उसने कहा कि इस करंट की वजह से हमें कितनी एनर्जी ऑब्टेन होगी इस कंडक्टर से वो बताएं। हमने जूल्स यूज किया, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक आई को आर से मिला के हमने पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया, वी आई टी फार्मूला बन गया। तीनों चीजें गिवन थी, हमने फार्मूले पुट की और हमारे पास जो है वो फर्क जो एनर्जी जो है वो आ गई जूल में। तो इस तरह ये पेपर यहाँ पे कम्प्लीट होते हैं, इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पेपर जो है क्लास 10th फेडरल बोर्ड का जो कि आपका 2017 का बनता है वो सोल्व करेंगे। यहाँ पे आज हमने फेडरल बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स के 2018 पेपर को जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।